भाइयों बहनों नमस्कार। आपके भाई मोहम्मद रियाज उर्फ राजबाबू के YouTube चैनल राजबाबू बूंदी के अंदर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 4 सितंबर है और इस 4 सितंबर के दिन मेरे YouTube चैनल की टीम यहां रजत गृह कॉलोनी बूंदी शहर की बहुत शानदार कॉलोनी रजत गृह कॉलोनी के अंदर आई हुई है और इस रजत गृह कॉलोनी के अंदर यहां जैन मंदिर है। तो इस जैन मंदिर में ये जो पर्युषण पर्व चल रहा है तो मेरी टीम यहाँ इस पर्युषण पर्व की अच्छाई और इसकी पवित्रता हमारे हजारों बहन भाइयों को पहुंचाने के लिए यहाँ पर आई हुई है। तो ये पर्व जैन धर्म का ग्रेट पर्व है तो मुझे इजाजत मिल गई है, इसलिए मैं वक्त खराब नहीं करके सबसे पहले तो मैं मंदिर दिखाऊंगा। हमारे बहन भाई मौजूद हैं, हमारे पंडित जी मौजूद है, सबको दिखाऊंगा और फिर मैं दो चार बहनों से, पंडित जी से, दो चार भाइयों से इस पवित्र पर्व के बारे में भी पूछूंगा। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए ये हमारी बहनें हैं जो सभी के सभी ये पूजा के लिए आई हुई है। मैं इस थाली के बारे में भी पूछूंगा। ये देखिए मैं सबको दिखा रहा हूँ, एक बार मैं पहले दिखा दूँ उसके बाद फिर मैं रामाशामी भी करूँगा। ये देखिए मैं सब बहनों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये मेरे YouTube चैनल राजबाबू बूंदी से आप सब लोगों का आगे हजारों बहन भाइयों को जाएगा। देखिए ये पंडित जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये देखिए आप, ये हमारी बहनें हैं, ये भाई हैं, ये देखिए ये सभी यहाँ पर पर्युषण पर्व के अंदर पूजा कर रही है। मैं सबसे पहले इस बेटे से तो बात कर लेता हूँ। क्या नाम है बेटा? अर्चित। कौन सी क्लास पढ़ते हो? पापा का नाम क्या है? यहाँ मंदिर में कौन लेके आया है? मम्मी लेके आएगी, पापा लेके आए हैं? मैं खुद आया हूँ। तुम आप खुद आयो, शाबाश, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए ये बहन भी यहाँ से जा रही थी तो मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर रुक गई है ये बहनें। तो ये सभी बहनें हैं और देखिए इस पर्व के टाइम पे इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनके चेहरे देखिए कितने प्रसन्न हैं। ये देखिए मैं सबको दिखा रहा हूँ, ये पंडित जी हैं। अब मैं पंडित जी को दिखाता हूँ, ये हमारे यहाँ के पंडित जी हैं और मुझे इन्होंने इजाज़त दे दी है। ये देखिए ये सभी के सभी भाई बैठे हुए हैं, ये पंडित जी बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर मंच लगा हुआ है, ये भगवान का मंदिर है। कोई एक पंडित जी मुझे इन सब के बारे में थोड़ा सा बताएं। आ जाइए आप। कोई भी एक आप इनके बारे में बताएं, जो भी डिटेल हो बताएं। यहाँ पर श्री शीतलनाथ भगवान मूल नायक है, राइट, और इनके साथ दोनों तरफ, एक तरफ नेमिनाथ भगवान और एक तरफ महावीर भगवान बड़ी प्रतिमा जी के रूप में विराजमान है, राइट, और आगे की प्रतिमाओं में आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, पद्म प्रभु भगवान, चंदा प्रभु भगवान, मुनीश्वरत भगवान और पार्श्वनाथ भगवान वेदी पर विराजमान है। तो आपका इस नहीं सबसे पहले तो आपका शुभ नाम बता दीजिए मुझे। मैं धर्मचंद जैन। तो आप इस पर्युषण पर्व के बारे में आपके मधुर वचन क्या है? पर्युषण पर्व हमारे कर्म निर्जरा के लिए हमारे धर्म का सबसे बड़ा समय है। ऐसे इन 10 दिन में हम पूरे साल में किए गए बुरे कर्मों का उनका वो कर सकते हैं, मतलब। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा जवाब दे दिया है, मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं और पर्सनली आपका भाई आपको अप्रिशिएट कर रहा है। ये देखिए आपका शुभ नाम बता दीजिए। प्रदीप कुमार जी। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए ये सारे के सारे पंडित जी बैठे हुए हैं और ये इस श्रेष्ठ टाइम के ऊपर अपना कर्म बड़ी निष्ठा से निभा रहे हैं। अब मैं इधर आता हूँ और इधर आने के बाद एक दो बहनों से बात करूंगा। किन से करूं बताइए आप, किसकी तरफ आऊं मैं, आपकी तरफ? चलो ठीक है, आपकी तरफ आऊं। नमस्कार बहन जी। क्या नाम है आपका? सीमा जैन। यहीं की रहने वाली हो? हमें हमारे हजारों दर्शकों को इस थाली के बारे में बताएं कि इस थाली में क्या क्या होता है। राइट, उंगली लगा के बताओ कि इसमें क्या क्या है। इसमें पहले जल, चंदन, अक्षत, पुष्प जी, दूध जी, फल जी, अर्घ जी, ये हमारे अष्ट द्रव्य हैं। ये अष्ट भगवान के अष्ट द्रव्य। तो हम लोग ये अखबारों के अंदर देखते हैं कि ये थाली सजी हुई है, सभी बहनें बैठी हुई है, तो ये आपके रूल्स में शामिल है। ये सब हमारे आपके रूल्स में शामिल है। क्या है हमारी हजारों बहन भाइयों को आपकी तरफ से क्या मैसेज है? हम हमारे जैन धर्म में मतलब जीवों की रक्षा करना और ये 10 धर्म में क्षमा ये सब का। थैंक यू, आपने बड़ा जवाब दे दिया है। और मैं किस बहन की तरफ आऊं?
आपके तरफ आऊं बहन जी, नमस्कार। कहाँ तक पढ़ी हो आप? 12 है जी, 12 तक पढ़ी हो, यहीं के रहने वाली हो। आप ये क्षमा के बारे में आपके क्या बोल हैं कि जब कोई किसी से क्षमा मांगता है कि मेरे भाई गलती से भी मुझसे कोई गलती होगी तो क्षमा करना, तो उसकी आंखें गीली हो जाती है, तो क्या है इसका अंदर का मामला, क्या है दिल की बात बताओ। अंदर की आत्मा से क्षमा याचना होती है। थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच। अब मैं उन भाई की तरफ आऊंगा, फिर इधर आऊंगा, हाँ इनके पास भी आऊंगा। नमस्कार भाई। नमस्कार जी ने। क्या आप, क्या पेशा है आपका? मैं वकालत करता हूँ। आप वकील हैं और आपका चेहरा इस शहर के लिए फैमिलियर है। मैं आपके नाम से वाकिफ नहीं हूँ, बट आई नो यू बाई फेस। तो मेरा कहना यह है कि आज मैं इस पर्व के ऊपर यहाँ वीडियो शूट करने के लिए आया हूँ। आप क्या संदेश देना चाहते हैं हजारों बहन भाइयों को? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो जैन धर्म का पर्युषण पर्व है जी, उसके 10 दिन 10 उपदेश हैं। उत्तम क्षमा, क्षमा को देता है मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, सत्य, सत्य, सत्य को परिभाषित करता है। तप, आकिंचन, ब्रह्मचर्य जो 10 धर्म है हमारे, वो 10 लक्षण 10 उपदेश को प्रभावित करते हैं। अगर हम सब उन 10 लक्षणों को अपने जीवन में उतार ले तो निश्चय ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हम मोक्ष पथ को पा जाएंगे। बड़ा धन्यवाद, आपने पूरा निचोड़ के दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहन जी नमस्कार आपका भी। अब मैं इस तरफ आता हूँ। नमस्कार बाबा साहब, क्या शुभ नाम है? प्रेमचंद। कितनी उम्र है आपकी? 75 साल। कितने सालों से ये धर्म का बराबर पालन कर रहे हो? 50 साल। 50 साल से। क्या कहना चाहते हो जैन धर्म के बारे में? जैन धर्म का सबसे टॉप मैसेज बताइए। क्षमा, क्षमा। मैं भी इसको स्वागत करता हूँ आपका। ये एक मिनट, ये बहने हैं तो मैं किस तरफ आऊँ? कौन बहन की तरफ आऊँ? आपकी तरफ आऊँ? नमस्कार, क्या शुभ नाम है? ललिता जैन। अच्छा, ये जो क्षमा मांगते हैं, तो ये क्षमा मांगने का ये जो 10 पर्व है, 10 काम है, इसमें टॉप मोस्ट है क्या ये? हमारा जो 10 लक्षण पर्व है, ये उत्तम समाज से शुरू होकर के और उत्तम ब्रह्मचर्य पर समाप्त होता है। थैंक यू। उत्तम समाज, क्षमा, वीरस्य, पूषणम्। थैंक यू। तो ये सभी बहने हैं और मेरा 7-8 मिनट का वीडियो हो गया है। अच्छा, निर्मल लाडू है। अच्छा, चढ़ेगा अभी। वो सुंदर भगवान का अम्मा जी से बात करिए। नमस्कार माता जी। नमस्कार। मेरा वीडियो 7-8 मिनट का हो गया है और अब मैं जल्दी से मेरा वीडियो समाप्त करूंगा और मैं आपसे अंतिम बार मिल रहा हूँ। आपका शुभ नाम बताइए। मेवा जी, यहीं की रहने वाली हो? तो आज हमें ये जो पर्व है, इस पर्व की पवित्रता एक ऐसे शब्दों में बताइए कि लोग ये क्यों उठें कि बहन जी ने क्या जवाब दिया है। सत्य वचन का दिन है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज झूठ नहीं बोलना चाहिए। थैंक यू। मुझे इनके बारे में भी थोड़ा बताइए। आज हमारे अष्टमी का दिन है जी, उसमें दंत भगवान का मोक्ष कल्याण जी, नवमा पुष्प दंत भगवान जी, तो उनके हाथ निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। अच्छा, ठीक है। आपने बहुत अच्छा जवाब दे दिया और मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ और मैं इस वक्त यहाँ पर रजत ग्रह के जैन मंदिर में आया हुआ हूँ और जैन मंदिर में आकर ये भाई कह रहे हैं कि इन पंडित जी का वो ले लीजिए, तो मैं इनसे अध्यक्ष महोदय से भी रामाशामी कर लेता हूँ। क्या शुभ नाम है भाई साहब? मुझे परमिशन आपने दी है, आपका धन्यवाद। ये पर्युषण पर्व के बारे में बचपन से मैं बहुत आकर्षित होता हूँ, तो ये हर इंसान इस पर्व के बारे में आकर्षित क्यों होते हैं, क्यों आकर्षित होते हैं इस पर्व के बारे में? दूसरे धर्म के लोग भी, क्या क्या विशेषता है? है जी, अहिंसा का संदेश है, क्षमा का संदेश है, प्यार का संदेश है। ठीक है भाई साहब, ठीक है पंडित जी, मैं अब मेरा वीडियो समाप्त करूंगा। अच्छा, इनका वो ले लूं। नमस्कार बहन जी, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम निर्मला जैन है। पंडित जी ने आपका नाम वीडियो में लेने के लिए रिकमेंड किया है, तो आपके मधुर वचन और आपके बारे में, आपके दिल में जो कुछ हो, आज हमारे इस चैनल के माध्यम से बता दीजिए। 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, राइट? हमें 10 धर्मों का पालन करना चाहिए, राइट? अष्ट प्रकार के कर्मों को नष्ट करने के लिए अष्ट द्रव्य से भक्ति भाव सहित निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। राइट, बहुत अच्छी बात है। आपके शब्द और आपके मुंह से निकलने वाली बॉडी लैंग्वेज को मैं कॉन्फिडेंस से देख रहा हूँ, इसलिए आपका ये भाई, जीवो और जीने दो। थैंक यू। छोटे से छोटे जीवों की रक्षा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।
ये दशलक्षण विधान कहलाता है। हाँ बोलिए 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 बोलिए। दशलक्षण वहाँ विधान कहलाता है। राइट। इसमें दस धर्म होते हैं। राइट। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य। राइट। दसों के जो जो अर्घ होते हैं वो इस मारने पर चढ़े जाते हैं। राइट। ये मंगल कलश है, ये चतुर्थ कलश है, ये दीपक है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके आधार पे हर दिन, आज चार दिन हो गए, चार दिन के श्रीफल चढ़ा दिए गए हैं, पांचवा दिन आज है, यहाँ आएंगे इस श्रीफल चढ़ेंगे, इससे भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, कर्मों की निजरा होती है। थैंक यू। स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छा जवाब दे दिया है और आपने डिटेल में बता दिया है। अब मैं मेरे वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ और आपके भाई का यूट्यूब चैनल राजबाबू बूंदी के अंदर एक बार स्वागत करते हुए मैं रजत ग्रह के इस जैन नोहरे से मेरा वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। और मेरे इस वीडियो के माध्यम से बूंदी के ही नहीं, राजस्थान के ही नहीं, इंडिया के ही नहीं, पूरी दुनिया के जैन बंधु भाइयों को मेरा बड़ा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।